सबसे पहले तो आप दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके नए शो के लिए, और सबसे पहले तो आप दोनों के किरदार के बारे में जानना चाहूँगा, किस तरह का किरदार होगा दोनों? शिवम श्रीवास्तव जो कि बहुत ही सॉर्टेड इंसान है और उसको मालूम है कि उसको लाइफ में क्या करना है, वो उस चीज़ को अचीव करने के लिए बहुत बार कोशिश करता है, कई बार अपने फैमिली इश्यूज़ की वजह से रह जाता है, लेकिन फिर भी वो गिव अप नहीं करता है। लेकिन एक पॉइंट पे कुछ ऐसा होता है उसकी फैमिली में कि वो उस चीज़ को गिव अप कर ही देता है, बट फिर एज इज़ वेरी क्लोज़ टू हिज मदर, तो जैसे माँ के साथ बहुत करीबी है उसका रिश्ता, तो माँ के लिए बहुत इमोशनल है। डैड के साथ थोड़ा सा ऐसा है कि बात हुई तो हुई, नहीं हुई तो हुई नहीं हुई, बिकॉज अटैच्ड है, पर हाँ अटैच्ड हूँ लेकिन शो नहीं करते, फीलिंग्स शो नहीं करते एक दूसरे को हम, रीज़न बीइंग बिकॉज क्योंकि वो दादी के लिए बहुत ही, जैसे मैं अपने माँ के क्लोज हूँ वैसे वो अपनी माँ के बहुत क्लोज हैं, और वो अपनी माँ के लिए कभी कुछ गलत सुन नहीं सकते हैं, जबकि अगर दादी कुछ गलत करती भी है तभी वो उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। तो उसी चीज़ों के लिए, उसी चीज़ों को लेकर शिवम श्रीवास्तव और हमारे जो फादर प्ले कर रहे हैं वरुण जी, राघव जी, तो उसी चीज़ों को लेकर हमारे रिलेशन में थोड़ी सी यू नो दैट फीकापन है, तो वो है। फिर उसके बाद दादी के साथ है, दादी के साथ इसका अनबन चलती रहती है, दादी से बात करने में इंटरेस्टेड नहीं होता है एंड ऑल अदर थिंग्स, और बहनें हैं इसकी दो और बहुत प्यार करता है अपनी बहनों को। फिर उसके बाद रिया माथुर की एक लड़की उनकी लाइफ में आती हैं, फिर वो कैसे इनकी लाइफ में बदलाव लाती हैं, फिर उसके बाद वहाँ से सब चेंज होता है, उसका नेचर भी चेंज होता है, उसकी लाइफ में काफ़ी सारी बदलाव आते हैं एंड अदर गुड थिंग्स हैपनिंग अराउंड। रिया एक काफ़ी मतलब बहुत सारे घरों की कहानी है, तो कितना मुश्किल होने वाला है सबकी सोच को बदलने में? सबकी सोच तो बदलना मुश्किल है, पर हाँ कोशिश ज़रूर कर रहे हैं। तो मैं कुछ बदलना नहीं चाहती, बस ये चाहती हूँ कि जो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं ना, एटलीस्ट लोग समझें उस चीज़ को। ये सिर्फ इमिडिएट तो चेंज नहीं आता कहीं पे भी, आप कितना भी कोशिश कर लो, बट हाँ अगर समझ जाओ तो इवेंचुअली आप चेंज करने की कोशिश। ये सिर्फ बड़ों के लिए नहीं है, छोटों के लिए भी है। ये सिर्फ ऐसा नहीं कि हम बड़ों की सोच बदलना चाहते हैं, छोटों को भी चाहते हैं कि आप भी देखिए समझिए कि क्या आप में भी चेंजेस आने चाहिए और बड़ों में क्या चेंजेस होने चाहिए। ठीक है, बड़ों ने दोनों को चेंज होकर हाउ दे हैव टू बैलेंस देयर सेल्फ। प्रोमो में हमने देखा आप काफ़ी चुप चुप थे, तो आप इनके फेवर में हो या फिर मैं दादी के फेवर में? वैसे ही रहने वाला हूँ, चुप चुप ही रहने वाला हूँ, बट इसके फेवर में रहूँगा बिकॉज जो रिया की सोच है वैसे ही मेरी सोच रहती है, कहीं ना कहीं थिंकिंग दोनों की सेम, दोनों की सेम है, बट वो शो नहीं करता है। मैं मुँह फटूँ तो मैं बोल देती हूँ, कहीं ना कहीं जो है एक स्टार के इतिहास में नया चेंज आ रहा है, एक घंटे का शो हो रहा है, तो उसके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे ऑडियंस के? Well, it's a very nice show and trust me, हम सब बहुत मेहनत बहुत मेहनत कर रहे हैं इसके लिए। पूरे एक दिन में आपको एक घंटे का एपिसोड निकालना इज नॉट अ इजी टास्क। वी वर्क हेयर फॉर लाइक एंड इट्स अ वेरी गुड थिंग वी आर वर्किंग विद पार्थो मित्रा जी, एंड आप 12 घंटे में मतलब एक घंटे का एपिसोड निकालना इज जस्ट इम्पॉसिबल, लेकिन हम कैसे यहाँ पर काम कर रहे हैं, कैसे एक घंटे का फुटेज निकाल रहे हैं, वी नो दैट एंड इट्स अमेजिंग। I'm really thankful to star people. Yeah, the four camera setup, the multi camera setup, the way we do it, हम rehearse कैसे करते हैं, it's like a play. तो हमारे लिए learning के साथ साथ आपके लिए भी it's a very good experience. एक घंटा आप हम सबको देखेंगे, हमारी family को देखेंगे, सबकी journeys देखेंगे, सबके किरदारों में क्या क्या change आते हैं, how we balance each other, वो देखेंगे, तो आपके लिए भी बहुत interesting होगा। इस show में आपको क्या होता है कि बाकी shows में जो आधे घंटे के हमारे daily shows हैं उसमें क्या होता है कि आप एक सीन को तीन चार बार रिपीट करते पूरा कंप्लीट करने के लिए, बट ओवर है आपको एक शॉट में एक सीन कंप्लीट करना है जस्ट इन वन शॉट, एंड इट्स अ वेरी नाइस सेटअप, वेरी वेरी नाइस कास्ट एंड क्रू, प्रोडक्शन, एवरीथिंग, चैनल मोवर वेरी सपोर्टिव चैनल, मतलब कौन नहीं चाहता स्टार के साथ काम करना, वेरी ऑब्वियस, बट आई एम लविंग इट वेरी मच। थैंक यू सो मच।